हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको जरा से भी देरी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक डिफरेंट ऐप बताने वाला हूँ, जिस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, एंड्रॉइड वालों के लिए ये ऐप है। दोस्तों, आज की ऐप है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने लॉन्चर से परेशान हो चुके हैं तो मैं आपके सामने एक डिफरेंट लॉन्चर लेके आया हूँ जो बहुत अमेजिंग रहेगा। लिंक मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। सबसे पहले इस ऐप पर क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से कुछ नेविगेशन जेस्चर्स आ जाएंगे, कुछ नेविगेशन की मदद से बटन्स आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएगा इस तरीके से आपके मोबाइल को। जो लॉन्चर रहता है ये थोड़ा डिफरेंट कर देता है दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाले बटन पे क्लिक करता तो देन इट विल शो योर ऑल द ऐप विच इज़ एग्जिस्ट इन योर मोबाइल। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे शो करने लग जाता है जितनी ऐप आपके मोबाइल में है। और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सारी ऐप आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट के साथ आपको दिखाई देने लग जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जितनी भी ऐप हैं। सबसे बड़ी एक एडवांटेज की बात ये है, आप अगर इसका अगर जैसे ही आप इसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये ड्रैग कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि ये अगर आपकी सारी ऐप ख़त्म हो जाएंगी तो ये वापस से आपकी स्टार्टिंग नंबर से जो ऑर्डर से लगे हुए हैं वहाँ से ये ऐप दोबारा स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ये स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट है या फिर कोई नंबर से स्टार्ट है, और आप जैसे ही इसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये वापस से स्टार्ट होती जाएगी। ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसका। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ये यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप डिफरेंट आपको यूज़ करने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐप अगर यहाँ से ओपन करनी हो तो आप ओपन कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी ऐप खोलनी हो, कोई कर खोलनी है तो कोई कर पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। ओके दोस्तों, बैक आ सकते हैं। तो बैक आने के बाद आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इस ऐप पर दोबारा क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे सेकंड नंबर का सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो आपको उसका जीपीएस का, अगर आप चाहते हैं अपना जीपीएस ऑन करना तो देख सकते हैं। मैप यानी कि गूगल मैप अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गूगल मैप यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है यहाँ पर इस तरीके से, कॉन्टैक्ट का। आप कॉन्टैक्ट भी देख सकते हैं अपना यहाँ पर। ओके दोस्तों, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं यहीं से शो करने स्टार्ट वो कर देगा, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में सेव है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं इस तरीके से। ये भी डिफरेंट ऑप्शन है, ये अवेलेबल रैम के बारे में आपको बताता है। इस तरीके से आप क्लिक करके जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट। ओके दोस्तों, अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे जो है, यानी कि इसे फर्स्ट ऑप्शन ही बोल सकते हैं। ये आपकी सेटिंग शो करता है यहीं की यहीं। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ इस ऐप पर क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल की सारी सेटिंग एप्लीकेशन वगैरह यहीं से आप जान सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंस्टॉल करने के लिए इस ऐप को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।